स्वागत है आपका। इस समय आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दिव्या अठवाल। जैसे कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मुख्य चुनाव आयुक्त ने कोई भी तारीखों का ऐलान नहीं किया है। लेकिन उपचुनाव से पहले सभी यानी कि कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी अब जनता के बीच में पहुंच चुकी है। जी हां, आपको बता दें कि हाल ही में अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि जनता के बीच में पहुंचे थे और वे जनता को संबोधित कर रहे थे। वही आपको बता दूं कि उपचुनाव से पहले मंत्री व पूर्व विधायक अब जनता के बीच में जनसंपर्क करने के लिए पहुंचे हैं। इसी बीच में अब कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने वाले पूर्व विधायक नारायण पटेल भी वे खंडवा जिले के पामाखेड़ी में पहुंचे हैं, जहां पर वे उनके लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है। जी हां, उनके लिए एक मुसीबत खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार तो बना दिया है, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें नकार रही है। जी हां, आपको बता दें कि एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। उस वीडियो में जब पूर्व विधायक नारायण पटेल वे पामाखेड़ा में पहुंचे तो वहां पर कुछ महिलाओं ने उनका घेराव कर दिया है, साथ ही उनकी कोई बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वहां पर पूर्व विधायक नारायण पटेल चिल्लाते रहे कि अब पहले आपने कमलनाथ को चुना था, अब शिवराज मामा को चुनो, लेकिन उनकी कोई भी बात नहीं सुनी गई है, साथ ही महिलाओं ने उनका घेराव कर लिया। वहीं सभी महिलाओं ने उन्हें उनका घेराव कर लिया, जिसके बाद में पूर्व विधायक नारायण पटेल को ही उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा है। जी हां, आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरीके से पूर्व विधायक नारायण पटेल बार बार चिल्ला रहे हैं, लेकिन महिलाओं ने उनकी एक तक नहीं सुनी है। अभी मेरी सुन लो, अभी तक मैं कमलनाथ को आदमी हूँ, काम नहीं कर रहा। अब शिवराज मामा को मैं, अरे एक एक तो बोलो, एक एक शिवराज मामा को मैं आएंगे कहना है कि जब वे विधायक थे तब वे एक बार भी गांव में झांकने तक नहीं आए हैं, और अब जब उपचुनाव होने वाले हैं तो अब वे पैर छूने आ रहे हैं। शर्म आने चाहिए ऐसे विधायक को। जी हां, उन्होंने ऐसी बात कही है, जिसके बाद में पूर्व विधायक नारायण पटेल को उल्टे पैर ही वापस लौटना पड़ा है। तो ये था उपचुनाव को लेकर अभी तक का अपडेट। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी न्यूज पर और लगातार देखते रहे वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। धन्यवाद।